नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और महापुरुषों को याद किया। साथ ही साथ वहां मौजूद तमाम ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उनके लिए वहां पर तालियां भी प्रधानमंत्री मोदी ने बजवाई। तो आज़ादी के 75वें साल का जश्न, जश्न आज़ादी की ये तस्वीरें आज दिल्ली के लाल किला पर के प्राचीर पर पीएम मोदी एक बार फिर से नजर आए। उन्होंने ध्वजारोहण किया। अच्छी बात ये रही कि सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को यहाँ पर इनवाइट किया गया था। जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट से लेकर सभी खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, सभी के लिए पीएम मोदी ने तालियाँ बजवाई, पुष्प वर्षा वहाँ पर की गई। ये तस्वीरें देशभक्ति के जज्बे से लबरेज। मूलभूत जरूरतों की चिंता के साथ ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अब अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष ने पंचायत भवन में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण और पौधा लगाया। इस दौरान डीएम अनुज झा भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली रोहित सिंह ने शहीदों को नमन किया और लोगों को आजादी की असली परिभाषा समझाई। पंचायत भवन में पौधरोपण किया गया। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या की पंचायत भवन पर झंडारोहण किया गया, शहीदों को याद किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस दौरान झंडा फहराया, साथ ही साथ माल्यार्पण भी किया गया। उधर लखनऊ में पुलिस अफसरों ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपने अपने कार्यालयों में तिरंगा फहराकर सलामी दी। लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण पर शहीदों को नमन किया, साथ ही आजादी की सही परिभाषा समझाते हुए मतदाताओं को उनके कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाया। और आगरा में स्वतंत्रता दिवस पर वीर शहीदों को नमन किया गया। पुलिस लाइन में एडीजी राजू किश ने ध्वजारोहण किया। 2021 में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को एडीजी ने इस दौरान सम्मानित किया। पूरा आगरा शहर आजादी के रंग में आज डूबा नजर आया। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने ड्यूटी के दौरान विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के प्रति घटित होने वाले अपराधों में और अधिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कार्य करेंगे। ऐसे ही समाज के न्यूनतम पायदान से
आने वाले व्यक्तियों की समस्याओं को भी गंभीरता पूर्वक सुनकर सम्यक निस्तारण कराएंगे। उधर शामली के एसडीएम न्यायिक देवेंद्र सिंह अक्सर समाज सेवा और जनहित के कार्यों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। उनके द्वारा जिले में दर्जनों बार समाज सेवा की जा चुकी है, जिसको लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम ने एसडीएम न्यायिक देवेंद्र सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। एसडीएम न्यायिक देवेंद्र से बातचीत की, कुछ ही देर में आपको सुनाएंगे। समाज सेवा को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, तमाम तस्वीरें उनके सामने आती रहती हैं, कौशाम्बी की तस्वीरें। बचपन से ही एसडीएम साहब समाज सेवा करते रहे, समाज सेवा से मन को शांति मिलती है, ऐसा उनका कहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। औरैया कोरोना काल में दिवंगत हुए सदर विधायक रमेश दिवाकर की बेटी मेनका अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। इसको लेकर मेनका का कहना है कि उनके पिता की ओर से बिहड़ी इलाके में कई विकास काम कराए गए हैं। उन्होंने कई सड़कों को भी पास कराया था, लेकिन कोरोना काल में उनके असमय मृत्यु से सारे विकास कार्य रुक गए थे। मेनका ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो अपने पिता के सपनों को जरूर साकार करना चाहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आईजी मेरठ प्रवीण कुमार द्वारा लिखी पुस्तक वह एक और मन लॉन्च कर दिया गया। ट्वीट पर आईजी प्रवीण कुमार ने लिखा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी मां के जन्मदिन पर पिछले 30 वर्षों की भाव यात्रा के कुछ अंश काव्य संकलन वह एक और मन के रूप में आप सबको सादर समर्पित है। आपको बता दें कि यह पुस्तक प्रभात प्रकाशन, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। तो ये ट्वीट किया उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर, पुस्तक लॉन्च किया। बड़ी चीज ये कि पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी। ये जो किताब है प्रवीण कुमार जी की, इन्होंने बाकायदा इसको लेकर जानकारी दी है। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार, वह एक और मन, इसका शीर्षक, और ये किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी मौजूद है। आईजी रेंज स्वतंत्रता दिवस पर के मौके पर इन्होंने अपनी किताब लॉन्च की और लिखा है, बाकायदा उन्होंने इस किताब को ट्वीट किया है। ट्वीट में पूरी जानकारी दी गई है कि मैं स्वतंत्रता दिवस एवं मेरी मां के जन्म दिवस पर पिछले 30 वर्षों से, तो पूरी जानकारी उन्होंने अपनी ट्वीट के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। और बड़ी चीज़ यह है कि ये किताब आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। काव्य संकलन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। उधर कौशाम्बी के भरवारी में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं सबसे पहले 150 फीट ऊंचे झंडे का पूजन भी किया गया। तिरंगा यात्रा भरवारी चायल मनोरी होते हुए सराय अकेल निकाली गई और ये तिरंगा यात्रा चायल विधायक संजय गुप्ता की अगुवाई में निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में चार पहिया दो पहिया वाहन के साथ साथ स्कूली छात्र और छात्राएं भी शामिल हुए और जगह जगह फूलों से तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। तिरंगा यात्रा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय अनिल सिंह जी सड़कों पर खड़े होकर के सड़कों के जिले की यशस्वी जिला अध्यक्ष, वीरांगना जिला अध्यक्ष, भारत माता की मीडिया रथ है, मीडिया रथ की जिम्मेदारी है, मीडिया रथ के सुपरविजन और मीडिया रथ युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी,
तो भरवाड़ी से यह भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। केशव प्रसाद मौर्य के सुपुत्र रहे जिला अध्यक्ष मौजूद रहे, कौशाम्बी के जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न आजादी की धूम, चौतरफा धूम पूरे उत्तर प्रदेश में, देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार सिलसिलेवार ढंग से दिखा रहे हैं। कौशाम्बी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर भरवरी से ही ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। छात्र छात्राएं सभी इसमें शामिल हुए, कोई स्कूटी से तो कोई बाइक से यहाँ पर मौजूद रहा। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहे, खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे भी वहाँ पर मौजूद रहे। 150 फीट ऊंचे तिरंगे का पहले पूजन किया गया, उसके बाद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर फूलों से यात्रा का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग नजर आए और तिरंगा यात्रा में ये सभी शामिल हुए। कौशाम्बी की ये तस्वीरें। आज 15 अगस्त की 25वीं वर्षगांठ है, जिसके लिए कौशाम्बी के चाइल्ड विधायक संजय गुप्ता जी ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। साथ में 150 फीट का मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये 150 फीट का एक ऐतिहासिक फ्लैग पूजन करके आइए हम बात करते हैं इसका क्या मकसद था। और जो तिरंगा यात्रा कौशाम्बी जिले में लगभग 45 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा होगी, जिसमें 10 से 20 हज़ार लोगों का शिरकत करेंगे। आइए हम संजय गुप्ता जी से बात करें कि क्या उद्देश्य है इस तिरंगा यात्रा का और किस हिसाब से तिरंगा का बनाया जाएगा। देखिए, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हम अपने जनपद कौशाम्बी में अपनी विधानसभा चाइल में मैंने ये 150 फीट का राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। ये राष्ट्रीय ध्वज हमारी विधानसभा की आन है, बान है, शान है, हमारे जनपद की पहचान है, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की पहचान है, सभी देशवासियों की पहचान है। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज जनपद के हमारी विधानसभा चाइल के सभी देशभक्त बढ़िया देश गीत के तरानों में झूमते हुए एक भव्य तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरा संदेश, पूरे प्रदेश को, देश को संदेश दे रहे हैं कि कौशाम्बी जनपद के अंदर विधानसभा चाइल के अंदर राष्ट्रवाद सर चढ़ के बोलता है, राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोगों को यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया और उन्होंने बताया कि झंडे का रोपण कैसे किया गया और तिरंगा यात्रा का क्या होगा। आशीष पांडे, न्यूज। तो देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तो देशभक्ति के जज्बे से पूरा देश आज लबरेज नजर आया। हम आपको लखनऊ की तस्वीर अभी दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज ध्वजारोहण किया। कई अहम बातों का जिक्र उन्होंने वहां पर किया। आज़ादी के 75वें साल का जश्न दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गजब की तस्वीरें आज देखने को मिली। सभी देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत लबरेज नजर आए। तिरंगे के रंग से पूरा देश पटा नजर आया, रंगा नजर आया। ये तस्वीर देखिए, जब भारतीय तिरंगा लहरा रहा था, ध्वजारोहण लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने किया, तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण किया। देशभक्ति के जज्बे से भरे नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सचिवालय में लखनऊ में ध्वजारोहण किया। आज़ादी के 75वें साल का ये जश्न है। 74 वर्ष पूरे हो गए हैं आज़ादी के, 75वें में हमने प्रवेश किया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए योगी आदित्यनाथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां मौजूद रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।